वेलकम टू द अदर व्लॉग। दोस्तों तो उम्मीद है आप भी ठीक होंगे और हम भी ठीक हैं, हमारे यहाँ रहने वाले सारे परिंदे भी ठीक हैं। और तो उससे पहले मेरे बाल सेट नहीं थे लेकिन आज मैंने कटवा के बड़े पफ बना लिए, देखे कितना अच्छा लग रहा हूँ आज। और दोस्तों अच्छा लग रहा हूँ तो आपको अच्छा लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों हम आ गए हमारे बाहर वाले मुर्गों के पास और ये अभी मेरा जलवा चेक करें। आ आ आ जाएंगे ऊपर नीचे अंदर वाले परिंदों के पास, देखेंगे उन लोगों के पास दाना है कि नहीं। और ये हमारे मुर्गों को और दाना पड़ा है, ये देते थे। और अभी चलते हैं हमारे दूसरे जानवरों के पास। दोस्तों आज बस हम उनसे उड़ा रहे हैं, अब हमें चल को लाइक करने का थे, आज हम इनको याद कर रहे। अरे मेरे बड़ा कर रहा था मैं मिट्टू कैसे उड़ा। और दोस्तों ये वाला मुटू इसको देख के बोलना सीख गया, देखे अभी कुछ अभी नहीं बोलता, सुबह सुबह ये दर साथ में बोलते। बस हमारा एक ये वाला मिट्टू जो है ये मेल ये नहीं बोलता, बाकी दोनों हमारे बोलने लगते। दोस्तों तो अभी बोल रहा मेरे को हाथ ना लगाओ चेक करना, क्या हुआ क्या कर लोगे पानी करना ये देखो। और दोस्तों देखें इसका तो पानी नीचे रखने का कोई फायदा ही नहीं है, अगर पानी को चेंज करता ही नहीं है। दोस्तों देखें इसके पानी की हालत देखें, ये ना ये तो पेड़ करते क्या है, ये जो खाना अगर खाता है ना पानी में फेंक देते हैं तभी इतना गंदा हो जाता है। तो सागर अभी चलो इसको नया दो। दोस्तों फाइनली हमने दोनों का ताज़ा पानी डाल दिया है और हमारे खरगोशों की भी घास आ गई है, वो जाके हमारे खरगोशों को भी देते हैं। दोस्तों फाइनली हमारे खरगोशों का घर आ गया है और ये पालक जैसी पता नहीं क्या है, तो ये हमारे जो है पेरोट उनको दे दे। तो चलो दोस्तों ये पालक जैसी हमारे तोतों को देंगे और ये घास हमारे खरगोशों को जाके दे देते। दोस्तों देखिए ये हमारे खरगोशों को घास दे दिए, तो वो पालक जैसी पता नहीं क्या था, तो वो भी हम चलते हैं अभी हमारे पेरोट को देते हैं। दोस्तों हमारे बच्चे की कैनुली में बच्चा जो हमारे पेरोट ने बच्चा दिया था वो ये वाला था, ये देखें ये जो बैठा हुआ है नीचे वाला। और देखें ये मैं उस दिन दिखाने की कोशिश कर रहा था तो आज नीचे ही आ गया है, कितना प्यारा कलर है इसका। और सागर ये जल्दी से दो मार पेड़ को, तो थोड़ी सी इन्हों को भी देना, थोड़ी ये कॉकटेल तुम इतनी दिखा लोगे ना बहुत है तुम्हारे लिए, तो ये तुम्हारी डाइट में मैं रख लेता हूँ। और क्या बोला सागर ऐसे करके सागर बोल रहे क्या रहा है, इतनी सी मैं लबड़ को दूँ, चलो ठीक है लबड़ इतने खाते भी नहीं है। देखे अब मैं इसको खिलाने की कोशिश करूँगा। हेलो भाई दोस्तों देखिए ये मेरे इधर खा रहा है हाथ पे, यहाँ पे आ जा सकून से खाओ। सब अपनी मर्जियों में बैठे लेकिन अंडे। अरे 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 मेरे हाथ नहीं नहीं उधर नहीं आना, उधर नहीं उधर नहीं, अरे मेरे हाथ पे नहीं, कहाँ से मैं खाऊं। अरे नहीं वो मेरे हाथ को काटने की सोच रहा है, मैंने फेंक दे देखना। दोस्तों वो मेरे को देखे कैसे कैसे कर ऐसे 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 कह रहा था मेरे हाथ पे ना आ जाए। ओ यार एक और दोस्तों सागर आपको बताता है क्या हुआ है, वो देखे हमारी छः जावा से फिर से पाँच जावा हो गई है, तो हमें अभी पता लग गया था। दोस्तों आ जाए यहाँ पे दिखाते हैं, ऐसे यहाँ से थोड़ा होल है तो यहाँ से ये पतली पतली थी, ओके यहाँ से जब वो उस तरफ से निकल जाती थी तो हमने आज वो नीचे रख दी है। आज माशाल्लाह ये सुबह हम देखेंगे तो ये निकली गई नहीं निकलेगी, अब हमें पक्का यकीन है कि नहीं निकलेगी क्योंकि वहाँ पे दोस्तों देखे थोड़े से होल किए थे, तो वो मैं अंदर से निकलूँ फिर वरना फिर से निकल जाए तो पकड़ना बहुत मुश्किल है यार वहाँ से निकल जाए। मैंने देखे दोस्तों वहाँ पे देखे कितनी मोटी मोटी जाली लगी हुई है, यहाँ से वरना निकल जाएगी। तो हमने वहाँ पे पहले जो होल किए हुए थे तो गर्मियों की मौसम थी, हमने हमारे को लगा सर्दी लगेगी, तो हमने वहाँ पे जो होल की जाली लगा दी थी तो जाली से कहीं पे खुला हुआ था, तो हमारी कितनी जवा गई सर दो जवा चली गई, तो हमने इसी तीन हज़ार का पेड़ लाए थे, अभी पता नहीं महंगा हो गया। दोस्तों देखें यहाँ पे हमने ईंटें रख दी हैं, होल तो बंद हो गया फिर भी अब देखेंगे सुबह को ये गुम होती है कि नहीं, अब हुआ का ना ये उसका होल बंद हो गया हो गुम ना हो, हमारी तो पता नहीं दो जावा पता नहीं कहाँ चली गई है, तो पता नहीं उसका पहले एक गई तो अभी दूसरी चली गई है, इसका मेरे को तो लगता था होल था, हमने ईंटें वगैरह दे दी है, तो अभी मैं
आला खेल करेगा हो जाएगा, नहीं जाएंगी अगर सुबह को तू देखने आना ठीक है। मैं अभी भी और दोस्तों ये चेक करें देखी अंडा किसका है भाई। ओ भाई वो इसमें ये होशियार भी होते हैं, अपने अंडे खराब हो जाते हैं तो ये फेंक भी देते हैं, अपने बच्चे भी नहीं पालते। तो ये तो अपने बच्चे भी नहीं पालते लेकिन ये देखें अभी देखना अरे चला गया। तो ये अंडा पता है तो ये बहुत फ्रेंडली ले लेगा, मैं इसकी उंगली कहाँ जाम भी करूँगा वहाँ पर जाएगा देखे काटने के लिए आता है। हाँ काटने के लिए आता है। हाँ दोस्तों दूसरे ऐसे नहीं आते, ये देख अभी देखना आजो आ जाओ आ जाओ ये आ गया चलो काटो अरे भाग गए फिर से। दोस्तों वो तो देखे उनको तो सर्दी में भी गर्मी लगती है, वो तो वहाँ पर बैठे रहते हैं। हाँ हम तो भाई सुबह को सागर तो नहाता भी नहीं है। दोस्तों जैसे ना हमारी बजरी की कानोली बड़ी हो गई है बहुत, और उसी तरह हमारी डव की भी कानोली बहुत बड़ी हो गई है। हमारे तरह 9 से 11 डव थे, अभी देखें तो ये गिनने ही नहीं देते इतने सारे हो गए। यहाँ पर अभी फीमेल बैठी थी वो भाग गई, और वहाँ पर भी फीमेल ने 2 अंडे दिए हुए, तो हमारे 4 और ज़्यादा हो गए। और दोस्तों आप दुआ करें कि हमारे ना सारे जो है ना बहुत सारे अंडे अंडे दें, बच्चे जल्दी जल्दी निकाले, हम ना जल्दी होल बोल बंद कर देंगे। इधर देखे कितना प्यारा बनी है, इसको आधा छोड़ देंगे ना, जो लड़ते नहीं है ना हमारे बाप पीछे मैंने जानवर वो फिर उसको आधा छोड़ देंगे, कितना प्यारा लगेगा। तुम कब बच्चे निकालोगे दोस्तों, दाना पानी पड़ा है, और तुम कब अंडे वाले बच्चे निकालोगे, खुशखबरी दो ताकि हम हमारे चैनल में लाइक और सब्सक्राइब बहुत सारे आ जाए। दोस्तों अभी फीमेल अंदर है और मेल जब बाहर चल रहा है, और दोस्तों ये जो इसका मेल है ना तकरीबन बाहर होता है, फीमेल अंडों का ज़्यादा टाइम देती है, और हमें पता लग गया है कि इनके ना कुछ ही दिनों के बाद अंडों के बच्चे बाहर आ गई है। दोस्तों हमारे पास 2 लकी पिजन थे, उन्होंने अंडे भी देने वाले हैं, और वो बड़े बड़े प्यारे हैं। जैसे मैं सर्दियों में नींद आता हूँ मुझे ठंड लगती है, और ये देखें पहले मजे से गंदा पानी करके वो नहाया जा रहा है, और वो बोल रहा है निकलो तो मैं नहाऊं। दोस्तों अब मैं इसे पूछता हूँ सर्दी में कौन आता है, यार बताओ सही सर्दी में कौन आता है। दोस्तों हमने ठंडा पानी दिया फिर भी नहाता है, देखो कितना प्यारा लग रहा है नहा के सूखा हो अपने जिस्म को। और ऐसा ये कहाँ से पानी पी रहे हो? और दोस्तों रेसर तो नीचे से जो गिर गया वो पानी पी रहा है, और ये हमारे शरारती कबूतर है। और दोस्तों ये चेक कर माशाल्लाह कितना प्यारा शरारती कबूतर है, और दोस्तों ये जब उड़ता है ना जब शरारती कबूतर लगता है ना। दोस्तों ये हमारा भूरा कबूतर है लेकिन ये उड़ता है तो शरारती जैसा लगता है। दोस्तों इसका हाइट चेक करें जैसे मुर्गी चल रही हो, और फिर भी इतनी ऊपर जाता है, ये देखें हैवी बहुत भारी, उसके पैर में बाल आ रहे, तो ये ओरिजिनल शरारती बन जाएगा यहाँ से सफेद, इतना प्यारा लगेगा। और अभी पानी पीने के लिए आया है वह। दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।